जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को पूर्णमासी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ विधि के साथ। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए पूर्णमासी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। पूजन सामग्री में है दूध, दही, घी, सकरा, गंगाजल, रोली, मौली, तांबूल, पुंगी फल, धूप, फूल, फूल में सफेद कनेर की फूल, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक, बेलपत्र, फूलमाला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, नारियल चाहिए पानी वाला, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नेवद, कलश, पंचरंग, चंदन, आटा, रेत, समीधा, कुश, आचार्य के लिए वस्त्र, शिव पार्वती के लिए स्वर्ण मूर्ति अथवा पार्थिव प्रतिमा, दूब आसन आदि। अब जानिए पूजन विधि। पूजन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी पवित्र स्थान पर आटे से चेक पूरकर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश कला आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके बाद गणेश जी का आह्वान व पूजन करें। अंतरल, वरुण आदि देवों का आह्वान करके कलश पूजन करें। चंदन आदि समर्पित करें। कलश मुद्रा दिखाए, घंटा बजाए, गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा एवं दीपक को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद मंत्र द्वारा पूजन सामग्री एवं उनके ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि अष्टलोक कपालों का आह्वान एवं पूजन करें। निम्नलिखित मंत्र से शिव जी को स्नान कराए। उसके बाद पंचोपचार पूजन करें। चंदन अक्षत पुष्प दीप दीप दिखाए, फिर नवत चढ़ाकर आचमन कराए। अंतर, हाथों के लिए उपटन समर्पण करें, फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अंतरल सुंदर वस्त्र समर्पण करें, यज्ञोपति धारण कराए, चंदन अक्षत और सप्तधान समर्पित करें, फिर हल्दी कुमकुम मंगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। तार पत्र यानी भोजन पत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प चढ़ाए तथा धूप दे, दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित करें, फिर हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़े, चंदन अर्पित करें, नारियल तथा ऋतु फल चढ़ाए, तांबूल सुपारी और दक्षिणा द्रव चढ़ाए, कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि दे। सब प्रकार से पूजन करके कथा का श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी।
वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, हमने देखा है, परंतु आप मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कुछ उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना की। चंडी माता ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पर देखा कि एक आम का वृक्ष था जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत कोशिश किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई भी तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से
उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील विद्या बढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या चयन करें और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कहा। धनेश्वर ने सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी सुशीला विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुर पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा। तब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों रह रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दिया। कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है, देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह ढीठ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला हे प्रिय इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ, मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प बाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो,
उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। ये समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय वह विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुर पर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुख लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने ना पाया क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसका पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर की निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, हाँ, ये वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित घर पधार रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनको यह बात का समर्थन किया तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरण को स्पर्श किया
तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधु को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनुर्धर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मण को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव भाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।